FnbNews न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनों सामेईन अस्सलामु अलैकुम, चौधरी फ़तेह उल्लाह नवाज भुट्टा नई वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ। नाज़रीन, अगर माजी में झांका जाए तो ये बात जो है वो हमें देखने को मिलेगी कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे या हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने को तरजीह दिया करते थे। तमाम जैसे जैसे मुआशरा जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता गया, मिट्टी के बर्तन जो हैं वो भी माजी का ही हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत कम खसूसन हमारे देहातों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तमाम शहरों में इनका जो है वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिस तरह से किया जाता था। अब चूंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लग्जरी चीज़ों की तरफ गामजन हैं और सहूलियात की राह पे गामजन हैं, सो जो मिट्टी के बर्तन हैं इनको जो है वो माजी का ही हिस्सा बनाया गया और इनको इस्तेमाल जो है वो उस तरह से नहीं किया जा रहा जिस तरह से किया जाना चाहिए। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुन्नत रसूल भी है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना जो है वो खाया जाए, और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो माहिरीन हैं तिब्बी माहिरीन उनका ये कहना है कि दीगर बर्तनों की निस्बत मिट्टी के बर्तनों में अगर खाया जाए तो खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है और सेहत के लिए भी मुफीद रहता है और बिल्कुल भी जो है वो किसी तरह से खुदा ना खास्ता सेहत के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होता। तहम बिल्कुल भी इन तमाम चीज़ों को पस से पुश्त डालकर अब जो है लोग ज़्यादातर इस चीज़ को ही अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जो बर्तन स्टील के और इसमें दिगर जो बर्तन हैं उनको एक लग्जरी लाइफ की जानब जो है वो लोग बढ़े हुए हैं और मिट्टी के बर्तनों को जो है वो किसी सूरत भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जैसे जैसे हमारा मुआशरा तरक्की की राह पे गामजन है अपनी कदीम रवायात से भी दूर होता जा रहा है, इसी जद में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी आया हुआ है। चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा।